चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लास्ट दो तीन दिन में मेरे पास बहुत सवाल आए नए कोर्स को लेकर, बहुत सारे सवाल है आप लोग के मन में। तो इस वीडियो में आई वुड ट्राई टू कवर अप द मैक्सिमम थिंग्स, आपके मैक्सिमम सवाल इस वीडियो में कवर अप होने वाले हैं। एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, BAA डिग्री, सब कुछ, ट्रांजिशन स्कीम को लेकर आपको जो भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड सर्टनली गेट बैक टू यू। ऐसे बहुत सारे वीडियोज अभी आते रहेंगे चैनल पे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो, तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। सबसे पहला CA फाउंडेशन लेवल, अभी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट्स पहले बता देती हूँ मैं आपको। अकाउंट्स है पहला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है लॉ, पहले लॉ और BCR होता था, अभी सिर्फ लॉ है, BCR हट गया है। थर्ड मैथ्स स्टैट्स LR एज इट इज। फोर्थ पहले BCK और इकोनॉमिक्स था, अभी BCK हट गया है, सिर्फ इकोनॉमिक्स रहेगा 100 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स में पहले कुछ 5 चैप्टर्स थे, अभी वो 10 चैप्टर्स है, तो ऐसे 4 पेपर्स रहने वाले हैं। सेकेंडली यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा मैम, एज इट इज पैटर्न है कि 2 पेपर सब्जेक्टिव है, फर्स्ट 2 पेपर्स अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव पेपर्स है, और नेक्स्ट 2 पेपर्स जो है मैथ्स स्टैट्स LR एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स है। थर्डली मैम नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, एज इट इज 0.25% नेगेटिव मार्किंग था पहले, अभी भी 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्टली मैम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर रहेगी, सेम कि 10th के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर CA फाउंडेशन, बट अंटिल एंड अनलेस यू अपीयर फॉर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। आप 12th स्टैंडर्ड पास नहीं करते हो तब तक आप CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो, दैट ऑल्सो रिमेन्स द सेम। सो मोर और लेस CA फाउंडेशन में सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड चेंजेस है, नथिंग मेजर चेंजेस। इसके बाद कि मैम हमको नए कोर्स में बुक्स कैसे मिल सकती है, सिंपल है गाइस, December 23 का आपका लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड कोर्स में, उसमें पास करने की कोशिश करनी ही है अपने को। उसके बाद आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाओगे, उसके लिए आपको कोई एडिशनल फीस पे करने की जरूरत नहीं है, यू वुड बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो बाय एनी चांस, अगर December 23 में पास नहीं करते हो, तो बस 500 रुपए देके, सिर्फ 500 रुपीज देके आप नए मॉड्यूल्स बाय कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट CA फाउंडेशन, इसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी 6 सब्जेक्ट्स है। फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स। पहले ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स है, एडवांस्ड अकाउंटिंग, सेकेंडली लॉ एंड थर्डली टैक्स। अभी टैक्स में पहले क्या होता था, ओल्ड कोर्स में 70% वॉज DT एंड 30% वॉज GST, अभी क्या कर दिया उन्होंने 50% DT 50% GST। सो इन अ वे दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज GST पर्सनली मुझे लगता है ज्यादा स्कोरिंग है, उसको 50% दे दिया है वेटेज, तो बहुत अच्छा हो गया है। एंड सेकेंड ग्रुप में वी हैव कॉस्टिंग, ऑडिट एंड FMSM, तो दिस इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट चीज आता है मैम, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है CA इंटरमीडिएट के लिए, गाइस सिंपल, CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन आपको पास करना है एंड यू कैन एंटर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, दैट रिमेन्स द सेम एज इट इज। नेक्स्टली November 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट है, November 23 इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ओल्ड कोर्स, उसके बाद आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द न्यू कोर्स, उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्टली यहाँ पे भी आपको नए कोर्स में मॉड्यूल सिर्फ 1000 रुपीज देने हैं और आप नए कोर्स के मॉड्यूल्स बाय कर सकते हो, इट्स अ वेरी नॉमिनल फी। फिर उसके बाद आता है कि मैम रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, आप अभी जब रजिस्टर करते हो नए कोर्स में वो रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहेगा, फॉर 5 ईयर्स, उसके बाद आप एक बार उसको रीवैलिडेट कर सकते हो, एक ही बार आप उसको रीवैलिडेट कर सकते हो, तो दैट मेक्स इट 10 ईयर्स तक आप CA इंटरमीडिएट 10 ईयर्स तक आप CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दे सकते हो। आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट CA फाउंडेशन हियर, CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स, दैट इज 8 अटेम्प्ट्स, उसके बाद यू कैन नॉट रीवैलिडेट दैट। ठीक है, अगला सवाल बच्चों का ये है मैम, सपोज मैंने CA इंटरमीडिएट का भी एक ग्रुप क्लियर किया और दूसरे ग्रुप में मुझे एक सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिल गया, तो मैं May 24 में तो नया कोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एग्जेम्पशन क्या होगा उस सब्जेक्ट का? गाइस उन्होंने अभी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ, सपोज आपको कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन है तो कॉस्टिंग का एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड होगा, अकाउंट्स में एग्जेम्पशन है अकाउंट्स का एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी सिंपल मोर ऑर लेस। नेक्स्ट आता है एग्जेम्पशन रिलेटेड मार्किंग स्कीम। गाइस पहले क्या था, सपोज आपको एक सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स मिले हैं तो वो सब्जेक्ट का एग्जेम्पशन 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होता था, और उसके बाद भी अगर आप वो ग्रुप क्लियर नहीं करते हो तो वो एग्जेम्पशन लैप्स हो जाता था।
अभी क्या होने वाला है कि सेम चीज 3 अटेम्प्ट तक आपका एक सब्जेक्ट का एग्जेम्पशन, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको 60 प्लस मार्क्स मिले हैं वो एग्जेम्पशन 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और उसके बाद ये पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है। जिस पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिला है, यू हैव अ चॉइस कि इधर यू डोंट गिव दिस पेपर जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिला है, और जो बचे हुए 3 पेपर्स है उसमें आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने हैं। दैट्स इट, ये चेंज है, एंड यू हैव अ चॉइस, आप एग्जेम्पशन गिव अप भी कर सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज द एग्जेम्पशन डिटेल्स। नेक्स्ट लिंक, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड ट्रांजिशन स्कीम। अगर आपने 30 जून तक आपको आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके लिए वो 3 साल वाली आर्टिकलशिप एप्लीकेबल रहेगी, सेम वो 156 लीव्स, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। और अगर 30 जून के बाद आपने आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको 2 साल की आर्टिकलशिप, जहाँ पे आपको हर साल में वो 12-12 लीव्स, मुझे समझ में नहीं आया 12 लीव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल एवरी ईयर 12 लीव्स जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्टली यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का उन्होंने बताया है, इन द लास्ट 1 ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ट्रांजिशन स्कीम। सिंपल है, 30 जून तक आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है आर्टिकलशिप के लिए तो आप पुराने आर्टिकलशिप रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे, सेम 3 ईयर्स एंड सेम 156 लीव्स, इट अप्लाई सेम फॉर द डायरेक्ट एंट्री एज वेल। और 30 जून के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको ये 2 साल वाली आर्टिकलशिप, 12 डेज लीव, एंड वो लास्ट 1 ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। मेजर चेंज यहाँ पे क्या है कि सीए इंटरमीडिएट आपको बोथ द ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे नए कोर्स में अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है तो, मतलब ऑफकोर्स बोथ द ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। पुराने स्कीम में क्या था कि आपने एक ग्रुप भी क्लियर किया तो आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, बट नए वाले स्कीम में आपको बोथ द ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे, सेम अप्लाइज टू डायरेक्ट एंट्री ऑल्सो, बोथ द ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो ये वाला मेजर चेंज है इन द आर्टिकलशिप ट्रांजिशन स्कीम भी यही है। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, दैट इज रिलेटेड टू द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स में पहले दोनों जो मॉड्यूल्स हैं वो मैंडेटरी मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, सेकेंडली जो अपना SCMP का CA फाइनल का पेपर था जो भी हट गया है, थर्डली जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शनल है, ऑप्शनल एज इन उसमें आपको ऑप्शंस है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। थर्ड वाला जो सेट सी है यहाँ पे आपको 10 ऑप्शंस है, 10 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस है, आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। एंड सेट डी जो है वहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। तो बेसिकली 4 पेपर्स है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स में, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, सेट बी SCMP, सेट सी आप 10 पेपर्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, सेट डी 4 पेपर्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। नेक्स्टली कि मैम यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स लाने हमको, 50% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। मैम इसका पैटर्न क्या होगा, MCQ पैटर्न होगा। मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मैम इसको कब देना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैम हमको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स क्या एग्जेम्पशन है, क्या ट्रांजिशन क्राइटेरिया है, तो ये बात मेरी अभी ध्यान से सुनना। सी गाइस, अभी अगर आपने CA इंटरमीडिएट का नवंबर 23 में बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिया तो ये जो सेट सी और सेट डी है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, आपको उसको देने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने CA इंटरमीडिएट का नवंबर 23 में फर्स्ट ग्रुप अगर क्लियर किया आपने तो आपको चारों सेट्स देने पड़ेंगे, ABCD चारों सेट्स देने पड़ेंगे CA फाइनल एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है। और सपोज आपने CA इंटर का ग्रुप 2 क्लियर किया यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप 2 क्लियर किया तो आपके पास ऑप्शन है सी और डी सेट में से सिर्फ एक सेट देना है, और ए और बी तो देना ही है अपने को वैसे भी। आई वुड रिपीट दिस, CA इंटरमीडिएट के अगर आपने नवंबर 23 में बोथ द ग्रुप्स क्लियर कर लिए तो आपको चार सी और डी सेट एग्जेम्प्ट है, ए और बी देना पड़ेगा। अगर आपने ग्रुप 1 ही क्लियर किया सिर्फ, सो अगेन आपको ABCD चारों देने पड़ेंगे। बोथ द ग्रुप्स क्लियर नहीं किए तो भी ABCD चारों देने पड़ेंगे। तो बेसिकली सिर्फ फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया या बोथ द ग्रुप्स क्लियर नहीं किए तो आपको ABCD चारों सेट देने पड़ेंगे। बोथ द ग्रुप्स क्लियर कर लिए तो सी और डी एग्जेम्प्ट है आपके लिए। और अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर किया तो आपको ए और बी सेट देना है, और सी और डी
either you can give C or D, you have a choice regarding that. This is for CA intermediate. Regarding CA final students, आपको C और D paper तो exempt है, C और D set आप नहीं दो तो चलेगा. लेकिन suppose आपने November 23 में examination नहीं clear किया, तो set C और D तो exempt है, A और B देने पड़ेंगे, ठीक है. May 24 में भी आपने examination clear नहीं किया, तो भी ठीक है, चलो आप examination के बाद CA final clear करने के बाद आप A और B set दे सकते हो. लेकिन by any chance अगर आपका attempt November 24 तक चला गया, तो आपको November 24 examination के पहले आपको A और B set देना पड़ेगा. Basically November तक आपका attempt खिंच गया, तो आपको A और B set examination के पहले देना पड़ेगा. That is for sure. इसके बाद मैम सपोज November 23 में हमने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, सपोज हमने November 23 में हमारा पहला ग्रुप क्लियर कर लिया, तो उस केस में क्या होगा. तो गाइज अगर आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप टू देना पड़ेगा और सेट ए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा? क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया, फर्स्ट ग्रुप का लॉ तो क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स में पहला सब्जेक्ट कौन सा है? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया आपके लिए, तो सिर्फ सेट बी देना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो अगर ग्रुप वन क्लियर कर लिया आपने नवंबर 23 एग्जामिनेशन में, तो सिर्फ आपको सेट बी देना पड़ेगा और ग्रुप टू क्लियर करना पड़ेगा. एंड सिमिलर केस अगर आपने ग्रुप टू क्लियर किया सपोज, तो आपके लिए सेट बी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ सेट ए देना पड़ेगा आपको बाद में. समझ में आया? और अगर दोनों ग्रुप क्लियर नहीं किए, तो जैसे मैंने आपको बोला सी और डी एग्जेम्प्ट है, ए और बी देने पड़ेंगे. सो दिस इज रिगार्डिंग द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स. सो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, मुझे भी बहुत देर तक इसके बारे में रिसर्च करना पड़ा एंड देन फाइनली आई गॉट इट. सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांजिशन स्कीम, जो ज्यादा कंफ्यूजिंग था रिगार्डिंग द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स. नेक्स्टली BAA डिग्री. BAA डिग्री इंस्टीट्यूट इज इंट्रोड्यूसिंग अ सर्टिफिकेट फॉर द पीपल जो CA इंटरमीडिएट के बोथ द ग्रुप्स क्लियर करेंगे. चारों के चारों सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स देने वाले हैं. फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आर्टिकलशिप की है, और जो अपना एडवांस ITT और ITT का ट्रेनिंग होता है वो भी अगर खत्म हो गया, ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई, तो आपको BAA की डिग्री मिल जाएगी यहाँ पे. सो दिस इज रिगार्डिंग BAA डिग्री. नेक्स्टली CA फाइनल. CA फाइनल में भी अगेन पहले 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अभी 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं. पहला पेपर है FR, सेकंड इज एडवांस्ड FM, थर्ड पेपर इज ऑडिट, एंड ग्रुप टू में IDT है, DT है, एंड केस स्टडी बेस्ड एक पेपर है, बिजनेस सॉल्यूशंस का एक पेपर है, दैट इज अ केस स्टडी बेस्ड पेपर विच इज गोइंग टू बी अ ओपन बुक एग्जामिनेशन. यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा नवंबर के बाद, 1000 रुपीज दे के आपको नए मॉड्यूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे भी. यहाँ पे भी आपको हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद, 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद, आफ्टर द लास्ट डेट �फ कंप्लीशन ऑफ योर आर्टिकलशिप, उसके 6 मंथ्स बाद ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हो CA फाइनल का. ये आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद आपको एडवांस ITT का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज रिगार्डिंग आपका CA फाइनल. CA फाइनल के लिए एलिजिबिलिटी कब हो जाएगी? जब आप आर्टिकलशिप कर लोगे, आर्टिकलशिप खत्म, 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद आप एडवांस्ड ITT कर लोगे, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स कर लोगे, फिर ही आप CA फाइनल का एग्जामिनेशन दे सकते हो. सो दिस इज रिगार्डिंग द CA फाइनल का डिटेल्स. तो आई थिंक जो भी सवाल थे आपके, मैक्सिमम सवाल यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं कि मैम एडवांस ITT कब करना है, दैट इज आफ्टर 2 साल का आर्टिकलशिप आपको वो करना है, ठीक है. इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ITT करना है, और उसके बाद एडवांस्ड ITT करना है आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद. सो दिस मोर और लेस आई थिंक आपके सब सवाल यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं. स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है, तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड सर्टनली गेट बैक टू यू रिगार्डिंग दिस, ठीक है. एंड यस, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैक्सिमम अपन कोशिश करेंगे कि लेट्स टारगेट नवंबर 23, लेट्स मेक नवंबर 23 एज आवर फाइनल फुल प्रूफ अटेम्प्ट, लेट्स गिव इन आवर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इनटू दिस. टाइम टू टाइम इस चैनल पे बहुत सारे डिटेल्स में लाती रहूंगी. सो या जस्ट मेक श्योर कि इससे आगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड इन द प्रोसीजर ऑफ न्यू कोर्स, मैक्सिमम ट्राई करते कि नवंबर 23 में अपन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो. गाइज ऑलरेडी अपने दिमाग में इतना सारा कंफ्यूजन है रिलेटेड टू न्यू कोर्स, सो आई हैव गॉट वन अमेजिंग अमेजिंग न्यूज फॉर यू. अनअकैडमी इट्स स्टार्टिंग इट्स संकल्प बैच फ्रॉम द 10th ऑफ जुलाई फॉर CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स जो नए कोर्स में एग्जामिनेशन देने वाले हैं इन May 24. तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बिकॉज दीज एजुकेटर्स आर गोइंग टू गिव यू द गाइडिंग लाइट फॉर द डे
डेज टू कम. गाइज अनअकैडमी हमेशा इतने सारे रैंकर्स प्रोड्यूस करता है, इतने सारे लोग एग्जामिनेशंस पास होते हैं इनके क्लासेस अटेंड करके, और व्हाई नॉट, इट हैज एवरीथिंग विच योर क्लासेस नीड्स. लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक मैराथॉन्स, एवरीथिंग विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट करते हैं. एन नंबर ऑफ टाइम्स आप लेक्चर्स दे सकते हो. और क्या चाहिए गाइज, जस्ट यूज दिस कोड RCH10, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक आउट दिस बैच. एंड ऑल्सो अगर आप CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन दे रहे हो December 23 में, तो आपके लिए एकाग्रता बैच बिगिन हो चुकी है फ्रॉम July 3. गो चेक इट आउट, ये भी बहुत अमेजिंग एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं. वंस एंड फॉर ऑल ओल्ड कोर्स में अगर फाइनली फाउंडेशन क्लियर करना है, सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन बैच, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बैच से. बोथ द बैचेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट. एंड आई विल सी यू सून. विश यू ऑल द बेस्ट. टाटा.